subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. अच्छा तुमने decide नहीं किया हम long weekend पर कहाँ जा रहे हैं? I've decided. Let's do a homestay. Yeah, that's a great idea. That'll be a very different experience. हम actually किसी के घर पे जाएंगे. We meet new people. We share stories. We cook together. We eat together. It'll be a lot of fun. अरे नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने घर में ही रहेंगे होमस्टे. Say what? Shut up यार. That's not called homestay. That's called stay at home. हर वीकेंड हम घर पर होते हैं मुझे बाहर जाना है कहीं. I'm not staying at home. अरे बाबा ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ. तुम कोई अच्छी सी जगह ढूंढो जस्ट मेक श्योर कि पास में ही हो. मुझे ज्यादा ड्राइव नहीं करना है. ओके ठीक है फाइन. अच्छा ये तो ले लो. नाइस कैच. आई नो आई वाज टॉकिंग अबाउट मी. क्या हुआ? My school reunion is finally happening. मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही है. Great, that's great. You remember my BFF, Ruchi? She's also coming, all the way from Assam. Assam से? Wow. मैं सोच रही थी कि अगर वो all the way गुवाहाटी से आ सकती है, तो मैं तो मुंबई से जा ही सकती हूँ ना? Of course, you must go. जाना कहाँ है? It's happening in Pune on the long weekend. So हमारा homestay का plan we'll have to cancel, right? पर कोई बात नहीं है हम लोग कभी और चले जाएंगे. फिर कभी क्यों? I was thinking तुम भी चलो मेरे साथ. reunion का reunion और long weekend का long weekend. मैं तुम्हारी school friends के साथ क्या करूँगा? तुम मेरी school friends के साथ नहीं मेरे साथ चलोगे. I promise you it will be a lot of fun and you will love my friends. they are all amazing and you know what we are also planning on playing Antakshari just like the old times. पता है हम लोग ना सारे गानों की parodies बनाकर उस पर dance करते थे and हम लोग उसे गाते थे. it used to be so weird. मतलब it used to be so funny. I can't even explain it to you. oh my god you have to be there. of course I can imagine but Meera seriously मैं bore हो जाऊँगा यार. I'll feel completely out of place. ऐसा मत बोलो यार. अगर तुम्हारी स्कूल का रीयूनियन होता तो तुम नहीं मुझे साथ में लेके जाते क्या? Hey, what happened? नहीं. Of course मैं जाती. How can you even say that? Please, I promise you, तुम बोर नहीं होगे. Please, 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 please. अच्छा, okay, relax, relax, बाबा. मुझे थोड़ा टाइम तो दो. Let me think. Okay, take a day to think. I know you are going to say yes after all. अच्छा, मेरी एक खडूस सी फ्रेंड है मधुप्रिया. उससे बच के रहना. She's very judgmental. हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलती है. I don't know what her problem is. I mean, be cordial with her, but maintain a safe distance. हाँ, but Shuchi, जो हमारी शादी पे आई थी, उससे तुम्हारी बहुत अच्छी बनेगी. In fact, she's in the same industry as you were, and she's handling really big clients. Also, Anita's coming. Anita जो यहाँ पे मुंबई में रहती थी ना, वो शादी के बाद LA shift हो गई. इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं बोल सकता. मुझे हर हाल में मीरा को कन्विंस करना ही होगा कि वो अकेले जाए और ना आप लोगों तो देखे कि मेरा क्या होगा. तो क्या सोचा तुमने? क्या सोचता मैं? उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा. किसने? अनुप्रिया ने. कौन अनुप्रिया? अरे तुम्हारी वो फ्रेंड जो बहुत ही जजमेंटल है. ओह मधुप्रिया. हाँ हाँ जो भी प्रिया. मैं तो तुम्हारे साथ चल दूंगा. तुम्हारे रीयूनियन गेट टुगेदर पर टक्सीडो पहन के सज धज के आ भी जाऊँ. लेकिन जस्ट इमेजिन तुम्हारी वो फ्रेंड मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएगी. गुड फॉर नथिंग. जोरू का गुलाम है. कोई काम धंधा नहीं है. वेला है. कितना पजेसिव है. क्लिंगी है. चिपकू है. चलो मेरे बारे में जो बोलेगी बोलने दो. उसे क्या फर्क पड़ता है. मैं तो वहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ. लेकिन जरा सोचो तुम्हारे बारे में क्या क्या गंद फैलाएगी वो. आज के जमाने की नारी होकर तुम्हारी कोई फ्रीडम ही नहीं है. तुम कहीं पर अकेले जा ही नहीं सकती हो. डिपेंडेंट हो. तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती. तुम्हें अंधेरे से डर लगता है. ड्राइविंग अंधेरे से ये सब क्यों बोलेगी वो? वो मधुश्री है. वो कुछ भी बोल सकती है. तुम्ही ने तो कहा कि उसका दिमाग उल्टा चलता है. मधुप्रिया. हाँ बट राइट. शी इज वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट.
ठीक है फिर मैं अकेले चली जाती हूँ. या दैट वुड बी इन एवरीबडीज बेस्ट इंटरेस्ट. बट फिर तुम क्या करोगे, तुम तो बोर हो जाओगे. कम ऑन बेबी, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं. That's why I love you. Me more. Thank you, बोलो. Thank you, but क्यों? क्योंकि long weekend पर अब तुम bore नहीं होगे. अच्छा, तुमने मेरे लिए कोई exciting plan बनाया? What is it? Homestay or stay at home? No silly, long weekend पर अब तुम मेरे साथ reunion के लिए चल रहे हो. No silly, वो तो decide हो गया था ना, तुम अकेले जा रही हो. हाँ silly, but I changed the plan. See, you were right. Why should you be the only husband to come and suffer? So, मुझे एक brilliant idea आया. मैंने group पर ये suggest किया, क्यों ना हम सब अपने husbands को साथ लेकर आएं. And most of them are very excited about it. वो लोग अपने हस्बैंड से बात करेंगे एंड आई एम श्योर दे आर ऑल गोइंग टू गेदर हस्बैंड्स. एक सेकेंड, लो दो लोगों का कंफर्मेशन तो आ भी गया. इज़न्ट दिस अमेजिंग? नाउ यू कैन आल्सो कम विद मी. आई एम सो एक्साइटेड. आरंट यू एक्साइटेड? या ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड. वी आर गोइंग फॉर योर स्कूल रियूनियन. थैंक यू. बोलो फिर से. थैंक यू वेरी मच. यू आर वेलकम. No way. This is even worse. कुछ तो सोचना पड़ेगा. मीरा, अपने फ्रेंड से उनके हस्बैंड्स का नंबर ले लो ना. आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ सारे हस्बैंड्स का, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बिफोर मीटिंग एंड एवरी वन इज कम्फर्टेबल. देयर इज नो ऑकवर्डनेस. या श्योर, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. मैं अभी इनिशिएट करती हूँ और तुम्हें सारे नंबर्स भेज देती हूँ. कूल. गेस व्हाट? व्हाट? ऑलमोस्ट सभी हस्बैंड्स ने आने से मना कर दिया. रियली? या. आई वंडर व्हाई. मे बी उन लोगों को भी यही लग रहा होगा कि बोर हो जाएंगे. एग्जैक्टली उसी तरह जैसे तुम्हें लगा था. हाँ, बिकॉज़ इट्स ट्रू. अभी पहले ऐसी हरकतें करके तुम बच जाते थे. बट नाउ आई वर्क विथ यू. आई नो एग्जैक्टली हाउ यू थिंक. व्हाट डू यू मीन? तुमने सारे हस्बैंड्स का नंबर मुझसे इसलिए नहीं लिया ताकि तुम उनसे दोस्ती कर सको. तुमने इसलिए लिया ताकि तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके उन्हें कन्विंस कर सको कि वो ना आए. फिर तुम्हें भी नहीं आना पड़ेगा. ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बनाया है. तुम मुझ पर ऐसा फालतू का इल्जाम लगा रही हो. तुम्हें ऐसा लगता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना गिर सकता हूँ कि इतनी ओछी हरकत करूंगा? Yes, that is exactly what I think. कि तुम इतना गिर गए हो और इसलिए तुमने ऐसी ओछी हरकत की है. Can I see your phone? Why? अगर तुमने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है तो I want to see. This is so unfair. तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हो. नहीं. Phone. I'm sorry. I'm not giving it to you. I'm sorry. Fine. अगर तुम अपना फोन दिखाकर अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं करना चाहते हो, that means you are guilty. नहीं नहीं आकाश, I'm really sorry. You're not available on this weekend. The earliest we can meet is on Monday. Bye. Thank you. क्यों? For convincing all the husbands to come for reunion. You're welcome. Group पर सारे लड़कियों का message आया है and they were all thanking you for that. So thank you and sorry for not giving you the benefit of doubt. और तुम्हारे intentions को गलत समझने के लिए. नहीं, मेरे intentions को तो तुमने सही समझा. मेरा वाकई में मन नहीं था जाने का, लेकिन then I thought कि तुम इतनी excited हो, तुम चाहती हो कि सब आएं, so Why not? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैं थोड़ा बोर हो जाऊँगा. यहाँ पर भी बोर ही होता, तो वहाँ जाके बोर हो जाऊँगा. और मे बी नॉट, क्या पता वहाँ सब मिले, कुछ माहौल बन जाए. इस वक्त तो सब थोड़े कम एंथू लग रहे हैं, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट. व्हाट इफ यू डोंट कम? अब क्या कह रही हो तुम? ये ब्रिलियंट आइडिया तुम्हारा ही था ना, सारे हस्बैंड्स को इन्वाइट करने का. और अब तो सारे हस्बैंड्स आने को तैयार भी हो गए हैं. अब लास्ट मिनट पे तुम्हारा खुद का हस्बैंड नहीं जाएगा तो कितनी खालियां पड़ेंगी तुम्हें? हाँ, बट
अगर तुमने उन्हें आने के लिए कन्विंस किया है तो तुम उन्हें ना आने के लिए भी तो कन्विंस कर सकते हो। आर यू सीरियस? या डू इट, टेल देम नॉट टू कम। सी वन सेकंड थॉट्स, बोर तो तुम लोग हो जाओगे। यू वर राइट अबाउट दैट। आई जस्ट फील दैट हम लड़कियों को जाना चाहिए। वी विल ऑल मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वी विल टॉक, वी विल गेट अ चांस टू बिच अबाउट आवर हस्बैंड्स एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। That makes sense. Yeah. So, convince them not to come. Sure. Every action has an equal and opposite reaction. ये तो सुना ही होगा आपने. सच है. जब तक मैं resist कर रहा था, वो insist कर रही थी. जैसे ही मैं मान गया जाने के लिए, वैसे ही वो मान गई मेरे ना जाने के लिए. कई बार life में, जब हम अपने partner की खुशी के लिए, अपनी खुशी को sacrifice करते हैं, तो वो भी इन रिटर्न आपकी खुशी के बारे में सोचता है। अभी सुनने में और बोलने में बहुत ही भारी भरकम लग रहा है, लेकिन है नहीं, है बहुत ही सिंपल। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड ट्राई इट, इट रियली वर्क्स। हाय गाइस, होप यू लाइक दैट एपिसोड टुडे एंड इफ यू डिड देन एज ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। और मेरा आप लोगों से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि रीयूनियन में स्पाउसेस अलाउड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए प्राचीन, दैट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन टू आस्क, कम ऑन। नो, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स अग्री टू डिसएग्री, उनको अपनी बात बोलने दो ना। फाइन, आप लोग बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक एंड लेट्स सी कौन किसके साथ है, कौन अभी के साथ है, कौन मीरा के साथ है। बाय, हमारी बकवास तो चलती रहेगी रातों रात। यू आर माय सोनी। हाँ? अरे मैं नहीं बोलना था। अरे आपने सटल प्रमोशन किया है। कैसे हंस रही है ये? गधा जैसे ढीचू ढीचू करता है। कैसे हंस रही है यार ये? ढीचू ढीचू कर रही है। जब भी इतराती है ना ये। गधा जैसे ढीचू ढीचू करता है। आज देखना है कितना फंबल करेगी, देख फ्यूचर देख इसका। ये मेरा लुक सही जा रहा है? शट अप यार, दैट्स नॉट कॉल्ड। अगर आज मैंने फंबल किया ना तो तू मेरे को बोस के सनग्लासेस खरीद के देगा। आपकी आंख, फिर तो मैं ही फंबल करता रहूंगा। यू वर्किंग, सॉरी यू आर नॉट वर्किंग। क्या हुआ? सेंडिंग इट, गो ना। अरे वेयर शुड आई गो? ओके कूल एंड जा ना फिर। अच्छा मुझे नहीं, मुझे लगा कि देखा क्या छोड़ दिया ना तुमने। अरे तू अपनी लाइन ले ना। बहुत दिनों के बाद इस्तेमाल भी किया है शब्द। डेचू डेचू तो करता था। अरे भाड़ में गए क्लोथ्स यार।